पहले आप इसकी ओवरऑल लुक देखिए, फिर हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स ये मैंने टू फैब्रिक लिया है, ये सिंपल फैब्रिक है और ये प्रिंटेड है। ये मैंने 1 मीटर लिया है और ये 1/2 मीटर लिया है। इसकी अब हम आज बेबी फ्रॉक कटिंग करेंगे, तो इसकी इस वाले फैब्रिक की हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, चलेंगे आप स्टार्ट करते हैं। देखें ये 2 पीस है, इसको हमने 2 फोल्ड किया है। अब हम इसे ट्रायंगल शेप में इसको कर लेंगे। हमने इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। ये थोड़ी सी इसमें रेप सी आ रही है, इसको हम ठीक कर लेंगे। चलिए अब ये हमारा इक्वल हो गया। अब हम इसका मेजरमेंट करेंगे। ये हमें चाहिए 5.5 इंच। व्यूअर्स ये जो टॉप हम कटिंग कर रहे हैं ये 6 से 7 मंथ बेबी के लिए है। अब हम इसे कट कर देंगे, तो थोड़ी सी गुलाई में शेप ले लेते हैं पहले। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम इसका नीचे वाला माप करेंगे। व्यूअर्स हम इसके 9.5 पे मार्क करेंगे।
देखें व्यूवर्स, अब हमने इसको 9.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब इसको हम निशान को मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखें व्यूवर्स, यहाँ से इसकी शेप थोड़ी टेढ़ी हो गई है। ये इक्वल कर लेंगे। देखें अब ठीक हो गया ये। तो ये देखें व्यूअर्स, अब हम इसके योक्स बनाएंगे। ये मैंने पीस अलग कर लिया है इस फैब्रिक प्रिंट में से। अब हम इसके योक बनाएंगे, इसको हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। ये देखें अब मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारी योक की लंबाई होगी वो हमने ली है व्यूअर्स, हम 7 इंच जो है वो योक की लंबाई ले रहे हैं। तो इसकी चौड़ाई जो है वो 6 इंच, 6.5 इंच है, ये देख सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले आर्म होल की कटिंग करेंगे। पहले हम तीरे की कटिंग कर लेते हैं। तीरा हमारा है 4 इंच, आर्म होल भी हम 4 इंच पे ले रहे हैं। सीधी ड्रा लाइन कर लेते हैं। अब हम इसे जूम करेंगे। थोड़ी सी गोलाई में शेप देंगे। रिवर्स हमारी जो फिटिंग है वो है 5.5 इंच। हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। अब हम इसको इस वाले निशान से मिला देंगे। ये देखें हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम यहां से इसको थोड़ा सा तिरछा काट लेंगे।
ये देखिए ये हमारी योको तैयार हो गई है। सबसे पहले हम ये इसका जो नेक लाइन है ये बाद में कटिंग करेंगे, पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। इसके साथ ये देखिए बस आप इसको, ये मेरा जो है ये फोल्ड है, इसको मैं कट कर लेती हूँ। अब ये कट कर लिया मैंने, ये देखें अब इसको आसानी से हम इसके ऊपर लगा सकेंगे। देखिए व्यूवर्स मुझे ये इसकी बेबी फ्रॉक की जो यहाँ से है ये मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको ऐसे करती हूँ, यहाँ पे दो छोटे छोटे इधर प्लेट्स डाल देती हूँ ऐसे, और दो इधर डाल देती हूँ। दो इधर देखिए ऐसे छोटे छोटे जो प्लेट होते हैं चुनर टाइप, वो दो इधर डाल देती हूँ और दो ही इधर डाल देती हूँ। इससे ये होगा कि इसकी शेप भी अच्छी आ जाएगी। दोनों तरफ ऐसे ही कर लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स अब मैंने इसको जोड़ लिया है, इसके ये प्लेट्स भी डाल लिए हैं। देखें इसका नहीं ये अच्छे लग रहे हैं, ये प्रोमिनेंट हो रहे हैं। ये देखो दूसरी साइड भी मैंने इसको यहाँ से इसको जोड़ लिया है, ये दोनों तरफ ये भी छोटे छोटे प्लेट्स भी डाल दिए हैं। अब व्यूअर्स अब हमने इसकी नेक की कटिंग करनी है, इसको हम अच्छे से रखेंगे इसके ऊपर। ये हम बना रहे हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, तो हम इसकी कटिंग करेंगे। अब अच्छे से पहले आपने रख लेना है इसके ऊपर, योक के ऊपर योक आए दोनों तरफ से। ये देखिए हमने इसको अच्छे से रख लिया है, अब हम इसके माफ लगाना है हमने नेक लाइन का। हमारा जो नेक लाइन है हमने यहाँ से 2.5 इंच पे लगाएंगे, ये देखें यहाँ पे हम मार्क लगा रहे हैं 2.5 इंच पे। ठीक है अब हम इसको हल्की सी गोलाई में शेप देते जाएंगे। ऐसे कर देंगे, देखा व्यूअर्स आपने समझ आ गई आपको अच्छे से। इसको हमने यहाँ से गोलाई में शेप दी है, ये देखें हल्की हल्की, और यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया है।
ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए व्यूवर्स, अब हमने इसको कट कर लिया है। अब हम जो इस तरह का पिछला पीस बचा था, अब हम उसकी इस पर फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल के लिए हम ले रहे हैं 4 इंच ले रहे हैं फ्रिल के लिए, तो हम इसको काट लेते हैं। 4 इंच पे पहले हम निशान लगा लेते हैं, यहाँ से तो 4 इंच नहीं आ रही, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब हम इसे यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। हमने इसकी कट कर ली है, अब हम इसकी इसको ऐसे करके थोड़ा इसका जायद है वो भी हम निकाल देते हैं। ये देखें, हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको दरमियान से भी, ये 2 फोल्ड है, अब हम इसको दरमियान से भी कट कर लेंगे। अब व्यूअर्स हम इसको देखते हैं क्या ये पूरी आएगी इसमें। देखें व्यूअर्स, ये इस पर अब हमने इसको क्या करना है, पहले हमने बैक साइड जो है इसको हम ऐसे 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। ये देखें ऐसे, यहाँ पे हम सारे पे ऐसे करके इसको सिलाई कर लेंगे। दूसरी साइड पे जो रॉन्ग साइड है इसकी, हम उसी पे ऐसे करेंगे, फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। फिर इसकी जो एक साइड पे बड़ा बखिया करके हम सिलाई लगाएंगे। चले हम ये करते हैं पहले ये दोनों चीज़ें। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने इसको ऐसे सिलाई कर लिया है, यहाँ से भी और यहाँ से बड़े बखिये से सिलाई कर लिया। और हम इसको यहाँ से खींच के हल्के हाथ से प्लेट्स डालेंगे।
हम इसको ऐसे सारे में, सारे फैब्रिक में एडजस्ट करेंगे अच्छे से। इधर से भी हम थोड़ा सा धागा खींचेंगे और इसको भी ऐसे ही करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसकी रफल जो है कितनी अच्छी बन गई है। हम इसको माफ करते हैं, ये देखिए अच्छे से अटैच हो रही है। पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका ये शोल्डर है इसको हम ऐसे सिलाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको यूँ रखेंगे उल्टी साइड पे। ये हमने ऐसे रखना है, ये उल्टा पीस है, इसको हमने यूँ रखना है। देखिए ये वाला जो है ना उल्टा साइड जो है ये ऊपर को आए, ठीक है, ये बाहर की तरफ। उल्टी साइड से हम इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे, इसी सिलाई के ऊपर फिर जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे ये ऊपर को आ जाएगी हमारी रफल। ये देखें, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। ये जो साइड है उल्टी साइड, ये हमें नीचे को रखनी है, इनके ऊपर को आए। तो जब हम इसको ऐसे, जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पे हमने इसको ऐसे अटैच कर देना है, फिर ये इसको मोड़ के ऊपर को आ जाएगी। चले अब हम इसे लगाते हैं। पहले आपने ये शोल्डर बंद कर लेना है। ये देखें मेरे, अब हमने इसको ऐसे सिलाई कर लिया है, ये इसकी लुक आई है। अब मैंने ये 8 इंच चौड़ी स्ट्रिप काटी, 4 इंच सॉरी लंबी पट्टी काटी है, और ये 3 इंच चौड़ी चौड़ी है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे दरमियान से करेंगे, इसको ऐसे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा के अब हम इसे ऐसे सीधा कर लेंगे, सीधा करके इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे और दूसरे को हम दूसरे शोल्डर के साथ अटैच, दोनों के साथ अटैच कर देंगे। ये देखें, पहले आपने इसको सिलाई लगा लेना है, सिलाई लगा के सीधा कर लेना है, सीधा करके फिर आपने ये यूँ कर देना है। ठीक है, ये हमारी जो है ये इसकी ओवरऑल लुक हो गई नेक की। अब हम नीचे जो है इसको हम जो है वो वैसे फोल्ड भी कर सकते हैं या पिको भी करा सकते हैं। मैं इसको फोल्ड करूँगी और फिर इसके बाद इसको यहाँ से सिलाई करेंगे ऐसे। और एक और बात, पहले आपने ये आर्म भी ऐसे इसको सिलाई लगा लेना है इसके बाद। देखिए व्यूअर्स, ये अब रेडी हो चुकी है, इसको स्टिच कर लिया है। देखें ये इसकी बैक साइड है, देखें ये इसके फ्रंट साइड है। बस आप यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड किया है, आप यहाँ पे पिको भी करवा सकते हैं, उससे इसकी बहुत अच्छी लुक भी आएगी। यहाँ पे भी आप इसकी फ्लेयर पे पीस की जो है वो पिको करवा सकते हैं इस साइड पे, ये आपकी अपनी मर्जी है। वर्स देखें कितनी अच्छी लुक आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।